हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में थोड़ा व्लॉग्स के अंदर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हीरो की तरफ से आने वाली एक नई बाइक के बारे में। जी हां दोस्तों, इंडियन मार्केट में हीरो कंपनी अपनी एक नई बाइक को लॉन्च करने वाली है, जो कि 100cc में लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगी। ये बाइक क्लासिक डिज़ाइन के साथ में लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी। जैसे पहले आपको ओल्ड लुक देखने को मिलता था, उसी तरह इंडियन मार्केट में एक बार फिर से ओल्ड लुक को लाया जा रहा है, जो कि कहते हैं ना अपन ओल्ड इज़ गोल्ड। जी हाँ दोस्तों, इसमें आइए जानते हैं कि अपने को कौन कौन से फीचर्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा हीरो कंपनी इसका क्या प्राइस रखने वाली है इंडियन मार्केट के अंदर, वहीं पे इसे कब तक लॉन्च कर दिया जाएगा, सारी बातें अपन वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लुक के बारे में बताऊं तो लुक के बारे में मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बता दिया कि क्लासिक डिज़ाइन के अंदर ये लॉन्च होने वाली है। एक काफ़ी बेहतरीन आपको लुक देखने को मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये लुक पसंद आने वाला है। आपको इसका लुक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, बात करते हैं इसके लाइटिंग सेटअप के बारे में। तो इसके फ्रंट में आपको राउंड शेप के अंदर LED हेडलाइट देखने को मिल जाएगी। बाकी जो इसकी टेल लाइट है वो भी आपको LED में मिलने वाली है, और इसके इंडिकेटर भी आपको LED के अंदर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इसके इंजन के बारे में बताऊं तो इसमें आपको 97.15cc का एयर कूलिंग इंजन देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जिसकी पावर आपको 9 BHP तक की देखने को मिल जाएगी। ब्रेकिंग सिस्टम में इस बाइक में आपको CBS देखने को मिलेगा, यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। इसमें कोई भी ABS वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। हाँ दोस्तों, इसमें सेफ्टी वाइज आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, इसमें मीटर कंसोल के बारे में बताऊं तो इस बाइक में आपको सेमी कंसोल मीटर देखने को मिल जाएगा, जिसमें कोई भी आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जो भी बेसिक से इन्फॉर्मेशन होते हैं वो आपको शो हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, USB चार्जिंग पॉइंट भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग अपने फ़ोन वगैरह को चार्ज कर पाओगे। बाकी दोस्तों, ये बाइक आपको 4-स्पीड गियरबॉक्स के साथ में देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी लगभग 11 लीटर की देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, 11 लीटर की इसमें आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलने वाली है। जिसमें माइलेज के बारे में बताऊं तो लगभग 65 से 70 KMPL तक का माइलेज देखने को मिल जाएगा। माइलेज के मामले में काफ़ी बेस्ट बाइक रहने वाली है इंडियन मार्केट के अंदर, और इसे माइलेज के लिए ही ज़्यादा पसंद किया जाएगा देख लेना इंडियन मार्केट में, क्योंकि लुक भी काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रहा है और माइलेज भी काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रहा है। तो 100cc में लोग इसी तरफ में जाने वाले हैं। बात करते हैं इसके टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इसके फ्रंट में, और रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा प्राइसिंग और लॉन्च के बारे में बात करें तो जो इसका स्टार्टिंग प्राइस है वो आपको लगभग 90,000 रुपये से लेके 95,000 रुपये के बीच में देखने को मिल सकता है, जो कि दोस्तों मैं इसका ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा दोस्तों, लॉन्च के बारे में बात करते हैं तो इसे 2024 के फेस्टिवल सीजन तक इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है, या 2025 में भी इसे इंडियन मार्केट में रिवील किया जा सकता है। तो आपकी क्या राय है हीरो कंपनी की इस बाइक को लेके, इस बाइक को इंडियन मार्केट में लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा दोस्तों। बाकी अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बाइक स्कूटर से रिलेटेड सारे कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर।